दोस्तों, लोकसभा इलेक्शंस भले ही खत्म हो गए हों, लेकिन हमारे देश की पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ताओं की गलीचपंती अभी भी खत्म नहीं हुई है। इन लोगों की लीचड़पंती अभी भी चालू है, और शायद इसी वजह से कोई तो इन लोगों में प्रधानमंत्री मोदी को रिमोट से चलने वाला प्रधानमंत्री बता रहा है, तो कोई अभी फिर से ईवीएम के हैक होने का गाना गाने लगा है। अभी देखिए, यहाँ पर मजेदार बात यह है कि हफ्ता भर पहले यही लोग गाना गा रहे थे कि विपक्ष ने मोदी को हरा दिया, राहुल गांधी ने मोदी को हरा दिया, अखिलेश यादव ने मोदी को हरा दिया, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा वोट पाए हैं। और अभी ये लोग बोल रहे हैं कि ईवीएम हैक हो गया है, और अगर ईवीएम सच में हैक था तो आखिर इतने सारे लोग जीते कैसे, और अगर हैक नहीं था तो फिर अब इस तरह का गाना गाने का क्या मतलब है। दूसरी बात, यही लोग इलेक्शन से पहले पीएम मोदी को एक डिक्टेटर बताते थे, और अभी यही लोग पीएम मोदी को रिमोट से चलने वाला एक कमजोर प्रधानमंत्री बता रहे हैं। और इस तरह का हिपोक्रेसी इन लोगों की जब कोई एक्सपोज करता है तब ये लोग चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तब ये कुछ कुछ वो हो जाता है कि जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा हो, किसी बैट्समैन ने चौका मार दिया, वाह मैं क्या शानदार बल्लेबाज था, और अगली बॉल पे आउट हो गया, ये गेंद ही खराब थी जिससे मैच खेला जा रहा था, ये गेंद टेम्पर्ड थी, ये बॉल टेम्पर्ड थी। आप नहीं चाहते ये खबर आए जनता के सामने, कितने लोगों की बातें हो रही है, आप नहीं चाहते खबर जनता के सामने आए, आप सिर्फ सत्ता पाना चाहते हो। हमारे आज के इस डिबेट में हमारा हरा कोता यानी कि अनुराग भदौरिया कुछ भी उलझलूल बोले पड़ा था, जिसका जवाब जब सुधांशु त्रिवेदी ने देना शुरू किया तो इस बंदे ने चीखना चिल्लाना कर दिया, लेकिन एंड तक सुधांशु त्रिवेदी डटे रहे, और एंड होते होते उन्होंने इस बंदे को ऐसा लताड़ा, ऐसा जलील किया कि सब देखते ही रह गए। बाकी क्या कुछ हुआ हमारे आज के इस डिबेट में, इस वीडियो में, चलिए देखते हैं। अनुराग भदौरिया जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, चुनाव जी 4 तारीख को रिजल्ट आए, उसके बाद इंडिया अलायंस ने बहुत सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया कि बस रोक दिया बीजेपी को 240 पर, पूरा बहुमत नहीं मिला, अब तो जेडीयू और टीडीपी की बैसाखी पर चलेगी ये सरकार, तमाम चीजें आपने कही, तब ईवीएम का ख्याल नहीं आया। आज 13 दिन बाद फिर से ये ईवीएम का ख्याल आ गया, फिर अब गाना फिर सब कुछ गलत लगना शुरू हो गया। अनुराग भदौरिया जी, ये 13 दिनों में ऐसा क्या क्या हो गया? इलोन मस्क का स्टेटमेंट और एक फर्जी खबर, उससे आप इतना छटपटाने लगे? बोल भाई। देखिए, मैं उस पर आपको जवाब दूंगा, लेकिन ये बताइए, 2009 में सबसे पहले ईवीएम का रोना किसने रोया? सबसे पहले ईवीएम का रोना रोया भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने, फिर जेटली जी ने उस पर सवाल उठाया, फिर किताब लिखी गई जीवन नरसिम्हा राव की वजह, उन्होंने किताब लिखी उस पर उठाया, आज क्या कह रहे हैं? उसमें क्या कैमरा था बताइए, कैमरा था उस समय? अरे क्या बात करते हो आप, कैसी बातें करते हो? आपकी आपके सरकार के समय में जो घटनाएं घटती हैं, जो आप आवाज उठाते हो, जब हम उसकी बात बोलते हैं तो आप कहते हो इसमें कैमरा नहीं था, उसमें फला नहीं था, दिखना था, ऐसे नहीं चलता है। हम कह रहे हैं कि आपके यहाँ पे चुनाव हो रहा था, आपका 48 वोट से आपका सहयोगी सांसद जीता है, आप बताइए उसका रिश्तेदार मोबाइल लेके पोलिंग काउंटिंग में कैसे घुस गया? कौन जवाब देगा इसके ऊपर में? और ना जाने ऐसी, क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी आपकी सहयोगी सरकार, आपकी सरकार चल रही है, और मोबाइल लेके घुस जाता है, उसमें मार में एक शब्द नहीं बोलते आप, फिर अभी 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 पता लीपापोती करोगे? नहीं, एफआईआर हो गई है, क्रिमिनल एफआईआर हो गई है। अरे कितने कितनी जगह लेके घुसे होंगे, क्या क्या उन्होंने उसका इस्तेमाल किया होगा, कैसे कैसे फोन करके लोगों को वो क्या अभी उसमें लिया होगा भाई, मोबाइल नहीं ले जाने का मतलब होता क्या है? लेकिन आपकी उस पर कोई बात ही नहीं करेंगे आप। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ईवीएम लाइन पे लगते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है वो, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, कई बार आपने देखा ईवीएम मशीन खराब हो जाती है, लोग रास्ते में खड़े होते हैं, वापस लौट जाते हैं, फिर लौट के नहीं आते, एक एक वोट, अगर एक वोट भी नहीं पड़ता है तो समझो लोकतंत्र का सम्मान में कमी आती, एक एक वोट से सरकार बनती है, बिगड़ती है। भूल रहे हैं, बहुत सही कह रहे हैं आप अनुराग भदौरिया जी, इतना सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपकी बात को ज्यादा जोर और ज्यादा तवज्जो वाला तब समझती अगर 37 सीटें जो आपने जीती हैं, आप कहते ये हमने जीत के दिखा दी है, लेकिन हम इस ईवीएम पर भरोसा नहीं करते, सर्टिफिकेट नहीं देते, लेकिन वो तो जीत ली, सर्टिफिकेट ले लिए, अब जो है 13 दिन बाद ये सवाल, ये क्या सही है? सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए।
आप नहीं चाहते कि जनता की खबर जनता के सामने आए, इतना बड़ा रेल हादसा हो गया, आप नहीं चाहते ये खबर आए जनता के सामने, कितने लोगों की मौत हो गई, आप नहीं चाहते खबर जनता के सामने आए, आप सिर्फ सत्ता पाना चाहते हो, आप सत्ता की बात करना चाहते हो। अरे तो आज मुद्दा किसने उठाया? आपके नेताओं ने उठाया। आज कम से कम इंसानियत के नाते आपको चुप रहना चाहिए था। जब प्रधानमंत्री जी ने संवेदना दी तो आपको चुप रहना चाहिए था, कल यह मुद्दा उठाना चाहिए था। चुप रहना, मगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है और कितनी बेशर्मी के साथ आकर आप यहां पे हाथ यहां जाकर बोल रहे हैं। आपने एक संवेदना नहीं दी, किसने उठाया? और ये समाज की बात है आपने, कमाल है। एक दिन तो शांत रह सकते थे ना, क्या देश में इतनी बड़ी दुर्घटना हुई तो मैं शांत रहूंगा। मगर भदौरिया जी, आज कम से कम आप इंसानियत की बात करते, आपके नेता चुप हो जाते कि आज के दिन हादसा हुआ, आज चुप रहूंगा, कल उठाऊंगा ईवीएम का मुद्दा। शर्म तो आपको आनी चाहिए कि आज आकर ये मुद्दा उठाने लगे, उसके बाद आप देखिए किस निर्लज्जता के साथ आकर आप ये भाषण देने के लिए लगे हुए। और मैं पूछना चाहता हूँ, अगर राहुल गांधी 90,000 से जीते हैं और अखिलेश यादव केवल 170,000 से जीते हैं तो मतलब ईवीएम राहुल गांधी को फेवर कर रही थी? अखिलेश यादव से ज्यादा राहुल गांधी को फेवर कर रही थी? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, आखिर आपने क्या समझ रखा देश को कि ईवीएम ने पंजाब में अच्छा काम किया, हरियाणा में खराब काम किया, हिमाचल में अच्छा काम किया, उत्तराखंड में खराब काम किया, दिल्ली में अच्छा काम किया, यूपी में खराब काम किया, राजस्थान मध्य प्रदेश में 2018 में अच्छा काम किया, 23 में खराब काम किया, उसके बाद बंगाल में और तेलंगाना में और कर्नाटक में बहुत अच्छा काम किया, महाराष्ट्र गुजरात में खराब काम किया, फिर तमिलनाडु में अच्छा काम किया, असम में खराब काम किया। मतलब महोदय ये कहना क्या चाह रहे हैं? अगर आपके अंदर इतना नैतिक साहस था तो हम कर्नाटक बुरी तरह हारे, आप 132 सीटें जीते और हम 60, आपको कह रहे हैं कि जब तक सारी काउंटिंग नहीं हो जाएगी, वीवीपैट से मिलान नहीं होगा, हम नहीं ग्रहण करेंगे, जीत नहीं मानेंगे। भाई 3,90,000 से जीते राहुल गांधी, रायबरेली कहना चाहिए था, जब तक सारे वीवीपैट का मिलान नहीं होगा मैं सर्टिफिकेट नहीं लूंगा, जैसे ही जीत जाऊंगा गप से आकर सर्टिफिकेट दे लूंगा, जब हार जाऊंगा तो हाय हाय करना शुरू कर दूंगा। मतलब ये कुछ कुछ वो हो जाता है कि जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा हो, किसी बैट्समैन ने चौका मार दिया, वाह मैं क्या शानदार बल्लेबाज था, और अगली बॉल पे आउट हो गया, ये गेंद ही खराब थी जिससे मैच खेला जा रहा था, ये गेंद टेम्पर्ड थी, ये बॉल टेम्पर्ड थी। आपका अधिकार है, अगर आपके मन में कोई संदेह हुआ तो आपका अधिकार है, मगर आपने जो क्रिकेट का उदाहरण दिया बहुत मिसफिट है, क्योंकि थर्ड एम्पायर का डिसीजन ऑन द स्पॉट आता है, और अगर एम्पायर मना कर देता थर्ड एम्पायर का डिसीजन देने के, तो जो टीम होती है उसको रिव्यू का अधिकार होता है ना, आपने थर्ड एम्पायर का डिसीजन लिया ना रिव्यू का अधिकार लिया, जाके घर में बैठ गए, फिर आप अपने मुंह से बोल रहे हैं कि किसी तीसरे व्यक्ति में, यानी जो उस लड़ाई में था ही नहीं, एक निर्दलीय प्रत्याशी ने जाके कहा, तो अचानक हम सोते से उठ के जागे और हमने कहा नहीं 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 जी सब गड़बड़ हुआ है और अब हम प्रक्रिया को पूरा नहीं करना चाहते। यानी अगर किसी के नंबर कम रह गए तो होता ना कि स्क्रूटनी में जाइए, स्क्रूटनी का इंतजार नहीं, अभी अभी मुझे डिक्लेयर कर दीजिए, तो मान्यवर इस प्रकार से नहीं होता। और जहां तक आपने हारने की बात कही तो इस देश में ऐसे भी उदाहरण जहां एक वोट से हारे, कई बार ऐसा हुआ है। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, राजस्थान विधानसभा में पिछली बार जो राजस्थान के स्पीकर थे, ये पिछली की पिछली राजस्थान विधानसभा में सीपी जोशी जी एक वोट से चुनाव हारे थे, एक वोट से। एक वोट हो, 1,000 वोट हो या फिर 1,00,000 वोट हो, जीत जीत होती है, हार हार होती है। हार और जीत में ये कभी नहीं देखा जाता कि कौन कितने वोटों से जीता है। अगर जीत गए आप तो आप जीत गए, अगर हार गए आप तो आप हार गए। और वैसे भी अगर जीत का आंकड़ा देखा ही जाए, अगर जीत के आंकड़े से कोई नेता बड़ा होता तो देश के सबसे बड़े नेताओं में तब भी राहुल गांधी का नाम तो नहीं होता, क्योंकि एमपी के शंकर लालवानी ने अपने ये लोकसभा इलेक्शंस 1,00,000 वोटों से जीता था। वहीं शिवराज मामा ने भी ये इलेक्शन लगभग 8,00,000 वोटों से जीता था, जो कि राहुल गांधी के लेवल से कई ज्यादा ऊपर है। राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों के विन मार्जिन को अगर मिला दें तब भी सिर्फ शिवराज सिंह चौहान के मार्जिन से भी कम रह जाते हैं, और ये लोग कुछ लाख वोटों के मार्जिन से जीते हुए अखिलेश और राहुल गांधी को मोदी से बड़ा नेता मानते हैं, और यही साबित करता है कि ये लोग आखिर कितने बड़े वाले चमचे हैं। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय।